Good morning, everyone. Welcome to your Kids 7 Public School online classes. ठीक है, ये आपकी संस्कृत क्लास है. आज की संस्कृत क्लास में हम लोग क्या करेंगे, आपकी जो पाठ्य पुस्तक है संस्कृत सागर, उसमें संकलित तृतीय पाठ है. कक्षा पाँच में तृतीय पाठ है. तृतीय देखो लिखा हुआ, तृतीय माने क्या होता है, तीसरा. पाठ्य माने पाठ, यानी कि आपका पाठ तीन, करण कारकम. शीर्षक क्या है हमारे पाठ का, करण कारकम. जो आपकी पिछली कक्षाएं थी उसमें आपने पढ़ा कि सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर था आपका, उसमें कर्ता कारकम. सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा कर्म कारकम. और अब आज हम लोग पढ़ेंगे जो आपका तृतीय पार्ट है, यानी कि तीसरा जो पार्ट है, पार्ट तीन, करण कारकम. ठीक है, कारक के बारे में चल रहे हैं हमारे. कारक आठ कारक होते हैं आपको पता है. तो तीसरा जो है कारक पढ़ेंगे हम, करण कारक के बारे में. ठीक है, पहले जान लेते हैं कि करण कारक होता क्या है. शुरू करते हैं. किसी कार्य को करने में जो भी वस्तु सबसे अधिक सहायक होती है, जब हम किसी कार्य को करने जा रहे होते हैं, ठीक है, कोई भी कार्य कर रहे होते हैं, तो उसमें जो भी वस्तु हमारी सबसे अधिक सहायता प्रदान करती है, जो भी सहायक होती है, वह हमारे क्या कहलाती है, जो है करण कारक कहलाती है. क्या कहलाती है, करण कारक, अर्थात जिसके द्वारा कोई भी कार्य किया जाता है वो हमारी करण कारक कहलाती है वो वस्तु. ठीक है, संस्कृत में करण कारक को तृतीय विभक्ति के द्वारा व्यक्त किया जाता है. ठीक है, तो जो संस्कृत होता है आपने, उसमें कौन सी विभक्ति होती है करण कारक को, तृतीय विभक्ति होती है. उसमें करण कारक में तृतीय विभक्ति का के द्वारा जो है उसको व्यक्त करते हैं संस्कृत में. ठीक है, संस्कृत जो आपकी लैंग्वेज है, इसका चिन्ह से. इसका चिन्ह क्या होता है, कैसे प्रदर्शित करते हैं, से, जैसे चाकू से. ठीक है, या के द्वारा, या चाकू के द्वारा. देखिए, राम ने चाकू के द्वारा, या फिर राम ने चाकू से फल को काटा. ठीक है, या आम को काटा या सेब को काटा, तो ये क्या हो गया हमारा, चाकू जो है करण हो गया. ठीक है, ये करण कारक हो गया हमारा. तो से हस्ताभ्याम कार्य करोती. ठीक है, इसने अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया है आपको, उदाहरण दिया है कि से माने वह, हस्ताभ्याम माने हाथ से, कार्यम माने कार्य, करोति माने करता है, कि वह हाथ से कार्य करता है, हाथों से कार्य करता है. ठीक है, तो वह हाथों से कार्य करता है, तो करण क्या हो गया इसमें, हाथ. तो काय का, काय से प्रदर्शित किया गया है, से. ऐसे इसको ऐसे भी बोल सकते थे हम लोग कि वह हाथों के द्वारा जो है कार्य करता है. तो इसको प्रदर्शित करने के लिए काय का प्रयोग किया है, इन्होंने बताया है कि आपको इसका चिन्ह क्या होता है, से और के द्वारा. तो आप देख पा रहे हैं इसमें काहे से किया उसने, प्रश्न कीजिए आप खुद से कि किसके द्वारा किया उसने, हाथों से, कि वह कार्य करता है किससे, किससे का प्रश्न करेंगे तो आपको आंसर में मिलेगा हाथों से. ठीक है, तो ये से आप देख पा रहे हैं, ये हाथों से इसने कार्य किया है. तो से जो शब्द है हमारा, से, तो ये हमारा कौन सा कारक हो गया, करण कारक. ठीक है ना, तो ये जो है इसको इजीली समझ सकते हैं कि इसका जो चिन्ह होता है, एक बार दोबारा से देख लेते हैं, से और के द्वारा. ठीक है, जिससे हम किसी कार्य को करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, करण कारक. ठीक है, वो हमारा करण. बेटा शुरू करते हैं हमारा जो पार्ट है उसको जो है उसकी रीडिंग शुरू करते हैं. भक्त माने भक्त, ईशम माने भगवान को, भजती माने भजता है. जो भक्त है वह भगवान को भजता है. इसके बाद देखेंगे सह माने वह, ईशम माने क्या होता है, ईशम होता है भगवान, है ना. ध्यानेन, ध्यानेन क्या होता है, ध्यान पूर्वक या ध्यान से. वह भगवान को, ध्यानेन माने ध्यान से, भजती माने भजता है, वह भगवान को ध्यान से भजता है. सह माने वह, कर्णाभ्याम माने कानों से, भजनम माने भजन, शरणोति माने सुनता है. वह कानों से भजन सुनता है. नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति, इसका क्या हो जाएगा कि नेत्रों से, चित्रम माने चित्र, पश्यति माने देखता है. देखो जो करण कारक है मैंने आपको बताया था उसका चिन्ह क्या होता है, कैसे हम पहचानते हैं, से या के द्वारा उसका प्रयोग किया जाता है. तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि स माने वह, कर्णाभ्याम माने कानों से, काहे से सुन रहा है वो, किससे सुन रहा है, कानों से. तो उत्तर में क्या मिला हमें, कानों से. तो आपका क्या हो गया, ये करण कारक. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट लाइन में भी आप देख पा रहे हैं कि नेत्राभ्याम चित्रम पश्यति, कि वह जो है नेत्रों से यानी कि आंखों से, चित्रम माने चित्र को, पश्यति माने देखता है. ठीक है, वो कहाँ से देख रहा है, किससे देख रहा है वो,
नेत्रों से। तो आपको उत्तर में क्या मिला? नेत्रों से। तो वो नेत्रों से देख रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? ये करण कारक। इसमें से का प्रयोग किया है, मैंने आपको बताया था कि से और के द्वारा जो है करण कारक में इसका प्रयोग किया जाता है। इससे आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पे जो है तृतीय विभक्ति होगी। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन में देख सकते हैं हम लोग, मुखेन भजनम गायती। मुखेन क्या होता है? मुख से। मुखेन माने मुख से, भजनम माने भजन, गायती माने गाता है, वह मुख से जो है भजन गाता है। तो बेटा अब लोग हम लोग जो है नेक्स्ट पैराग्राफ की जो है रीडिंग करेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। एस है राकेश अस्ति, ठीक है, यह है राकेश है। ये बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम क्या है? राकेश। अब हम जो है राकेश के बारे में पढ़ेंगे कि राकेश क्या क्या कार्य करता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, एस है राकेश अस्ति, स पादाभ्याम चलती है, जो है पैरों से चलता है। कहाँ से चल रहा है? देखो मैंने बताया था आपको से का प्रयोग कहाँ के लिए करते हैं हम लोग? करण कारक में। तो एष राकेश अस्ति, है राकेश है, स पादाभ्याम चलती है, पैरों से चलता है। हस्ताभ्याम कार्य करोति, हस्ताभ्याम माने हाथों से, कार्यम माने कार्य, करोति माने करता है, यह हाथों से कार्य करता है। कर्णाभ्याम शृणोति, कर्णाभ्याम क्या होता है? कानों से। शृणोति माने सुनता है, कानों से सुनता है। नेत्राभ्याम पश्यति, नेत्राभ्याम माने नेत्रों से। क्या होता है नेत्राभ्याम? नेत्राभ्याम होता है नेत्रों से। पश्यति माने देखता है, जो है नेत्रों से देखता है। नासिकया जीघ्रति, नासिका से, यानी कि नासिका क्या होती है? नाक, है ना, नाक बोलते हैं ना संस्कृत में नासिका। नासिकया जीघ्रति, जो नाक से सूंघता है, ठीक, सूंघने का तो कार्य होता है नाक से। मुखेन पकवानम मिष्ठानम च खादति, मुखेन माने मुख से, यानी कि मुंह से, हम लोग भी तो खाते हैं मुंह से। तो ये जो राकेश है, आपको बच्चा दिखाई दे रहा है, यह मुख से पकवानम, पकवान मिष्ठानम, मिष्ठान च माने और, खादति माने खाता है। तो ये जो आपका च है, ये जो है यहाँ पे आएगा इसका अर्थ, और इसका च का अर्थ क्या जुड़ जाएगा? और, ठीक है। जब इसको हम लोग वाक्य में, जो संस्कृत वाक्य से जब हम इसको बनाएंगे, तो क्या बोला जाएगा ये कि मुखे से माने वह है, मुखेन माने मुख से पकवान और मिष्ठान, खादति माने खाता है, वह मुख से पकवान और मिष्ठान खाता है। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा पैराग्राफ है उसकी रीडिंग कर लेते हैं। देखो ये बच्चे आप देख पा रहे हैं, ये कौन है? रमा, इसका नाम है रमा। रमा किम करोती, रमा क्या करती है? अब देखो उत्तर में मिला है कि रमा पत्रम लिखती, रमा पत्र लिखती है। रमा, रमा पत्रम माने पत्र, लिखती माने लिखती है, रमा पत्र लिखती है। सा केन पत्रम लिखती, सा माने वह, केन माने किससे या किसके द्वारा, पत्रम माने पत्र, लिखती माने लिखती है, वह किससे पत्र लिखती है, किसके द्वारा पत्र लिखती है, ठीक है। ये हमारा करण कारक चल रहा है, तो आप इजीली जान सकते हैं। मैंने आपको बताया इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है हमारा, से और के द्वारा इसमें जो है प्रयोग किया जा रहा है। तो सा कलमेन पत्रम लिखती, सा माने वह, कलमेन माने क्या होता है? कलम से, पत्रम माने पत्र, लिखती माने लिखती है, वह कलम से पत्र लिखती है। बालिका कलमे पत्राणि लिखन्ति, बालिका क्या होता है? बालिका यानी कि बहुत सी बालिकाएं हैं, बालिकाएं कलमे माने कलम से, पत्राणि माने पत्र, लिखन्ति माने लिखती हैं। कि जो बालिकाएं हैं वह, या बालिकाएं या लड़कियां कलम से पत्र लिखती हैं, ठीक है। तो आप इसकी जो है रीडिंग करेंगे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। देखो एक है वृक्ष है, लतिया युक्त है अस्ति, कि जो एक वृक्ष है वह लताओं से युक्त है। एक है माने एक, वृक्ष माने वृक्ष, लतिया, लतिया क्या होती है? लता। युक्त है माने युक्त, अस्ति माने है, कि जो एक वृक्ष है वह लता से युक्त है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट लाइन में अनेकाः वृक्षाः लता भी युक्ताः सन्ति, कि जो अनेक वृक्ष हैं वह भी लताओं से युक्त हैं। अनेका अनेक, वृक्षाः वृक्ष, लता भी लताओं से, युक्ता माने युक्त, सन्ति माने हैं, कि जो अनेक वृक्ष हैं वह भी लताओं से युक्त हैं।
लता पुष्पे युक्ता संति। लता क्या होती है? लता होती है हमारी, जो लता है वो क्या होती है? बेले। ठीक है, जो लता होती है वो क्या होती है? बेले। तो जो हमारी लता है यानी कि जो हमारे बेले हैं, जो बेले हैं यहाँ पे वह पुष्पे है। पुष्पे क्या होते हैं? फूल। ठीक है, फूल या फूलों से युक्त हैं। जो लताएं हैं वह फूलों से युक्ता युक्त संति माने हैं, वह फूलों से क्या है? युक्त हैं। मालाकार है उपवन जलेन सिंचति। ठीक है, मालाकार है क्या होता है? माली। माली तो होता है, मालाकार है, संस्कृत में माली को मालाकार है बोलते हैं। तो मालाकार है उपवनम। उपवनम क्या होता है? बगीचा या उपवन भी बोल सकते हैं आप इसको। कि जो मालाकार है, माली है जो, वह उपवन यानी कि बगीचे को जलेन, जलेन माने जल से, सिंचती माने सींचता है। कि जो माली है वह उपवन को या बगीचे को जल से सींचता है। कृषक है क्षेत्रम हलेन कृषति। जो कृषक है यानी कि किसान, क्षेत्रम माने, क्षेत्रम क्या होता है? क्षेत्र को या खेतों को, हलेन माने हल से, कृषति माने जोतता है। कि जो किसान होता है, कृषक है किसान को तो बोलते हैं संस्कृत में। तो कृषक है जो है किसान, क्षेत्रम माने क्षेत्र को या फिर खेतों को, हलेन माने हल से, हलेन क्या होता है? हल। हल से कृषति, कृषति होता है आपका शब्द है ये कृषति। ये जो कृषति है ये होता है जोतना। ठीक है, जोतते हैं ना किसान जो है खेतों को। तो कृषक है क्षेत्रम हलेन कृषति। कि जो किसान है वह क्षेत्र को या जो खेत है उसको हल से जोतता। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। देखो आप देख पा रहे हैं, ये जो है ये मनुष्य है और ये घोड़ा। तो इस पैराग्राफ में हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो है दो पैरों से चलता है और ये चार पैरों से चलता है। देख लेते हैं एक बार। मनुष्य द्वाभ्याम पादाभ्याम चलती। जो मनुष्य है या मानव है वह द्वाभ्याम क्या होता है? दो पादाभ्याम पैरों से चलते माने चलता है। जो मनुष्य है वह दो पैरों से चलता है। अश्व चतुर्भ्य पादे है चलती धावती च। जो अश्व है घोड़ा है चतुर्भ्य है यानी कि चारों पादे है पैरों से चलती माने चलता है धावती माने दौड़ता है च माने और इसका जो है यहाँ पे प्रयोग होगा। कि जो घोड़ा है वह चारों पैरों से चलता है और दौड़ता है। अश्व है मनुष्य है अश्व है प्रग्रहेण संचालयति। जो मनुष्य है जो मानव है वह अश्व माने घोड़े को प्रग्रहेण क्या होता है? लगाम से संचालयति संचालित करता है या काबू पाता है। कि जो मनुष्य होता है वह अश्व माने घोड़े पर प्रग्रहेण क्या होता है? मैंने बताया आपको लगाम। ठीक है, जो घोड़े की लगाम होती है देखो जो है पकड़े हुई है ये जो है। ठीक है, तो जो है मनुष्य घोड़े को लगाम से संचालित संचालित करता है या फिर काबू पाता है। ठीक है, ये आज आपकी रीडिंग है इस चैप्टर की करण कारकम। आप इसको बहुत अच्छे से जो है रीड करेंगे। आज के लिए इतना है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर टुडे।